सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ अल्फा फिजिक्स। हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के सीरीज को कर रहे थे, जिसमें ये लेक्चर नंबर 7 है। इसमें हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स है आपके टेक्स्ट बुक के, उसे सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे प्रूफ ऑफ आई इज इक्वल्स टू ई। आपने आई इज इक्वल्स टू ई देखा है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड ई है आपका एंगल ऑफ एमरजेंस। ये दोनों इक्वल होते हैं, इसे भी ये कैसे इक्वल होते हैं हम ये भी देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट। सो इससे पहले कि हम अनसॉल्व न्यूमेरिकल को देखें, हमें कुछ फॉर्मूलेज याद रखने होंगे इस चैप्टर के। तो वो फॉर्मूलेज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो सबसे पहला फॉर्मूला देख रहे हैं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। आपको याद होगा इसे कैसे प्रोनाउंस करते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। इसे लिखने का एक और तरीका है, आप इसे N1 अपॉन N2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, ठीक है। इसे आप ना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हो, जहाँ पे एक मीडियम वन कोई भी हो सकता है और दूसरा कोई भी मीडियम हो सकता है, ठीक है। एक और था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें आपको मालूम है हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होता था। तो ये सेकेंड फॉर्मूला उसी का है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ऑलवेज, ओके। सब इसका फॉर्मूला क्या हुआ, इसका फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। सो याद रखना वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, इसकी वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है, दैट इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। नाउ अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, ठीक है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन फर्स्ट मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वैक्यूम, ओके। इस तरह से भी आप इसे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। नाउ ये थर्ड है, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। आपने ये तो पढ़ा होगा बाय स्नेल्स लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, उसमें आपने क्या देखा था, साइन आई बाय साइन आर होता है ना, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। और ये कॉन्स्टेंट ही क्या था, ये कॉन्स्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं, ये कॉन्स्टेंट को हम क्या बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो याद रखना साइन आई अपॉन साइन आर जो है ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही हो सकता है। अब ये जो आई है ये फर्स्ट मीडियम होगा, है ना, और जो आर है वो सेकेंड मीडियम में होगा, ठीक है। सो आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये आई कहाँ पे होगा, फर्स्ट मीडियम में, और ये आर कहाँ होगा, सेकेंड मीडियम में। तो ये कुछ फॉर्मूलेज है, अगर आपको इतने से फॉर्मूले अगर याद है इस चैप्टर के, तो फिर आपके लिए अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी होने वाले हैं, और साथ ही साथ हम जो आई इज इक्वल टू ई का प्रूफ देखेंगे वो भी बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सो चलो अभी हम लोग सबसे पहले वाले न्यूमेरिकल पे जाते हैं। सो ये है सबसे पहला वाला न्यूमेरिकल, एक बार जरा इसे पढ़कर देखते हैं। सो लिखा हुआ है, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज 1.5×10⁸ है यहाँ पे, ठीक है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वॉट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। सो देखो जरा यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे गिवन लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सो गिवन है यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहला तो यहाँ पे कोई भी मीडियम है, कोई भी मीडियम उसका स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, यानी कि मैं इसे लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, एम मतलब कोई भी मीडियम का, ठीक है, कितना है, 1.5×10⁸ मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है, ठीक है। अब आपको मालूम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम पता होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। फाइंड क्या करना है आपको, सो यहाँ पे आपको फाइंड करना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, वैक्यूम, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होगा, तभी तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम बोलेंगे ना। सो ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अच्छा, ये चीज़ एक और चीज़ के इक्वल है, किसके, दैट इज एन एम अपॉन, एक मिनट से मैं अच्छे से लिख देता हूँ, एन एम अपॉन एन वी, इसको अच्छे से लिख देता हूँ। सो कुछ इस तरह से ये दिखने वाला है, ठीक है। आओ अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज़ होने वाला है वो भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज़ होगा, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज इक्वल्स टू द
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट। सो सॉल्यूशन देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। सो आपको यहाँ पे पहले फॉर्मूला यूज करना है, डेट इज एन एम वी, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज इक्वल्स टू वी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, 3×10⁸ होता है, अपॉन में वेलोसिटी ऑफ मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम क्या था, 1.5। सो 1.5×10⁸, अब ये 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, 3/1.5 होगा, इसे आप सॉल्व करेंगे सो आपको क्या आंसर मिल जाएगा, 2। कितना आंसर मिल जाएगा, 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो तो इसका ऐसा यूनिट नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने न्यूमेरिकल देख लिया, ठीक है। सो कुछ इतनी इजी न्यूमेरिकल्स है आप लोगों को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल, ठीक है। सो ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, ध्यान से देखना क्या लिखा है यहाँ पे। इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 and 4/3 respectively, respectively का मतलब absolute refractive index of glass आपको दिया हुआ है 3/2 and absolute refractive index of water आपको दिया हुआ है 4/3। Now आपसे पूछा गया है what is the refractive index of glass with respect to water? Okay, मतलब starting में आपको दो absolute refractive index दे दिया गया है और फिर आपको relative refractive index find करने के लिए बोला गया है। बहुत easy चीज है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। So सबसे पहले हम लोग यहाँ पे given लिख लेते हैं, okay? Now आपको क्या दिया हुआ है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, है ना। सो लिख देता हूँ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम क्या दिया है, 3/2। उसी तरह आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ये कितना दिया हुआ है, 4/3। विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम क्यों कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, बिकॉज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। नाउ अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है वो भी लिख लेता हूँ मैं। तो फाइंड करने के लिए बोला है यहाँ पे मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अच्छा, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एन जी अपॉन एन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, इन सबको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, अलग तरीका लिखने का, मैं इनको एन जी अपॉन एन वी बोल सकता हूँ, वैसे इसे भी मैं एन डब्ल्यू अपॉन एन वी भी बोल सकता हूँ, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन पे आते हैं, तो ये लिख रहा हूँ मैं सॉल्यूशन, ध्यान से देखना। सबसे पहला चीज़ तो आपको क्या करना है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये जो पहला आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ना, इसको ही आप लिख लो। सो आपने लिख दिया एन जी बाय एन वी इज इक्वल्स टू 3/2। ओके, इसको आप दे दो नंबर 1। बाद में जो दूसरा वाला आपको दिया है उसको लिख दो एन डब्ल्यू बाय एन वी इज इक्वल्स टू 4/3, इसको दे दो नंबर 2। अब एक काम करो, इन दोनों को आप डिवाइड कर दो और देखो क्या हो रहा है। पर किसको किससे डिवाइड करना, फर्स्ट को दूसरे से डिवाइड करना, ठीक है। सो यहाँ लिखता हूँ मैं डिवाइड 1 with 2, ठीक है। सो ध्यान से देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये एन जी अपॉन एन वी है इसे डिवाइड कर रहा हूँ एन डब्ल्यू अपॉन एन वी के साथ, ठीक है। वैसे राइट साइड में 3/2 इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4/3 के साथ, तो क्या होगा एन जी बाय एन वी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी एन वी ऊपर जाएगा एन डब्ल्यू नीचे आएगा, सो एन वी अपॉन एन डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। इसी कॉस्ट टू 3/2 है, ये डिवाइड किया अगर मल्टीप्लाई हुआ तो 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ये एन वी से एन वी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा एन जी अपॉन एन डब्ल्यू, और यहाँ पे क्या होगा 3×3=9 अपॉन 4×2=8। सो यहाँ पे आपका आ गया आंसर, क्या आ गया आंसर, एन जी अपॉन एन डब्ल्यू, डेट इज जो आपको फाइंड करना था 9/8। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आपका देखो अनसॉल्व न्यूमेरिकल पूरा खत्म हो चुका है, अब हम लोग सीधा उस प्रूफ पर जाते हैं, ठीक है। डेट इज आई इज इक्वल्स टू ई। सो ये कुछ प्रूफ आपको दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ एमरजेंस ऑफ लाइट रे फॉलिंग ऑन अ ग्लास स्लैब आर आई एंड ई रिस्पेक्टिवली, प्रूफ दैट आई इज इक्वल्स टू ई। तो अब देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले ये जो पूरा क्वेश्चन लिखा है उसको समझते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास एक ग्लास स्लैब होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये ग्लास स्लैब बना दिया है, ओके, ये है ग्लास स्लैब। अब जो लाइट रे इसके ऊपर आएगी उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे। सो ये है इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाने वाला है उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेट इज आई, ओके। अब क्या होगा, ये जो लाइट है यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगी, अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, तो देखो ये रिफ्रैक्ट होके कुछ यहाँ पर जा रही है, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनने वाला है ना इसे मैं बोलूंगा आर,
क्या बोलूँगा, आर। ठीक है, अब देखो ये आर यहाँ पे बन गया, अब ये आर आगे जाएगा, मतलब ये आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे आगे जा रही, इधर पे आएगी, अब यहाँ से लाइट आगे की तरफ बाहर जाएगा, बट देखिए फिर से डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ऊपर जो है वो एयर मीडियम था, तो एयर मीडियम से जैसे ग्लास के मीडियम में गई रिफ्रैक्शन हुआ, फिर जैसे ही यहाँ पर आएगा इस पॉइंट पे वापस से जो लाइट है वो ग्लास के मीडियम से कहाँ जा रही है, एयर मीडियम में वापस से जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, डेंसर से रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और लाइट रे क्या होगी, बाहर एमर्ज हो गई, बाहर निकल गई, और यहाँ पे जो एंगल बना उसे हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ एमरजेंस। अच्छा यहाँ पे भी एक एंगल बना ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये देखो आगे जाके इधर इंसिडेंट हुआ ना, तो इसको भी मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलूँगा, और इसका नाम मैं देता हूँ आई डैश। क्या नाम देता हूँ, आई डैश, या एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ इंसिडेंस डैश। ठीक है क्या, ओके। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ये मैंने यहाँ पे क्या बताया। अब मैं सीधा सॉल्यूशन पे आता हूँ, ठीक है। सो ये मैं यहाँ पे इसका प्रूफ लिखने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे समझने वाली बात एक चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए, कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन और ये लाइन हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगे, है ना, क्योंकि क्या है नॉर्मल है यहाँ पे, तो क्या होगा स्ट्रेट होगा, है ना, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या होगा पैरेलल, और इसके बीच में हम जो ये देख रहे हैं ना, ये एज अ ट्रांसवर्सल वर्क कर रहा है। कैसा वर्क कर रहा है, ट्रांसवर्सल। चलो मैं इसको नाम देता हूँ, इसको नाम देता हूँ ए, इसको नाम देता हूँ बी, इसको नाम देता हूँ सी, और इसको नाम देता हूँ मैं डी, ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ, चलो क्या नाम दूँ, इसको मैं एम एन नाम देता हूँ, और इसको मैं ओ पी नाम देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे जो एम एन है और जो ओ पी है ये दूसरे के एक दूसरे के पैरेलल होगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ सिंस एम एन इज पैरेलल टू ओ पी, जो एम एन है वो पूरा ओ पी के क्या है पैरेलल है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो बी सी है वो एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करता है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, बी सी जो है वो ट्रांसवर्सल है। अब आपको पता है अगर कोई दो लाइन पैरेलल है और उसके बीच में ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल आर और ये वाला एंगल आई, ये दोनों दूसरे के इक्वल हो सकते हैं बाय करेक्ट बाय अल्टरनेटिंग एंगल, है ना। सो यहाँ पे बोल सकता हूँ देयरफॉर बाय अल्टरनेटिंग एंगल, बाय अल्टरनेटिंग एंगल, एंगल आर है ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई डैश के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है क्या, सो आर जो है वो किसके इक्वल हो गया, आई डैश के इक्वल हो गया, इसको दे दो आप नंबर वन। नाउ अब क्या करते हैं हम ना, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ध्यान से देखना जरा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना ये दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मीडियम कौन सा है, एयर और ग्लास है, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना होगा, और किसके फॉर्म में, साइन वाले फॉर्म में। सो क्या होगा, देखो इन दोनों के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप अलग तरीके से क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी के अलावा आप साइन आई बाय साइन आर से भी निकाल सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट मीडियम में साइन आई होता है, सो साइन आई अपॉन में सेकेंड मीडियम का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सो साइन आर, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप दे दो नंबर टू। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों मीडियम का, ये ग्लास का मीडियम और एयर का मीडियम, इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे इन दोनों का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पे मैं करता हूँ एन जी बाई एन ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या होगा यहाँ पे साइन आई डैश फर्स्ट मीडियम में है ना, ग्लास के मीडियम में है, और साइन आर सेकेंड मीडियम में है, एयर के मीडियम में है, ठीक है। बट देखो इन दोनों को मैं सेम कर सकता हूँ, येस मैं अपोजिट कर देता हूँ, अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो यहाँ पे भी इन्वर्स हो जाएगा साइन ई अपॉन साइन आई डैश, इसको देता हूँ नंबर थ्री, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास है वो क्या आया है, साइन आई बाय साइन आर, यहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या है, साइन ई बाय साइन आई डैश है, मतलब ये दोनों के दोनों क्या है इक्वल है, तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड मैं बोल सकता हूँ ये चीज़ और ये चीज़ भी इक्वल है, तो लिखता हूँ मैं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू साइन ई अपॉन साइन आई डैश, है ना। अब जरा ध्यान से देखना, साइन आर ये जो आर है ये आई डैश ये दोनों के दोनों तो इक्वल होते हैं फ्रॉम फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ रीजन लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट, ओके। तो यहाँ पे बचा गया, यहाँ पे बचा साइन आई इज इक्वल्स टू साइन ई, तो अब आप समझ चुके हैं ये साइन से ये साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, और बचेगा क्या, और बचेगा यहाँ पे
आई इज इक्वल्स टू ई, और यही मुझे प्रूफ करना था, तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। क्या निकाल दिया है? आई इज इक्वल्स टू ई। सो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व, इसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। सो कुछ ऐसा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प कीजिए, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।